नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि QR स्कैनर एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हो। तो गाइज, अगर आप भी जानना चाहते हो कि अपने फ़ोन के अंदर QR एप्लीकेशन कैसे यूज़ करें और गाइज ये एप्लीकेशन है क्या, अगर आप जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइज, सबसे पहले इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन करना है। और गाइज, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद देख, तो यहाँ पर QR एप्लीकेशन जो है मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन का लोगो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब गाइज, नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग आप चेक कर सकते हो, 1 करोड़ प्लस की डाउनलोडिंग है। इसके अलावा देख, तो यहाँ पर 3+ इसको रेटेड मिली हुई है और 3.5 इसको स्टार मिले हुए हैं। इसके अलावा देख, तो 40 इसके रिव्यूज़ है। तो अब गाइज, ये एप्लीकेशन है क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आप जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन सब का जो है QR कोड क्रिएट करना चाहते हो तो यहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर आप जो अपना बारकोड यहां पर QR कोड क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, एप्लीकेशन को किस तरह से यूज करना मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर गाइस हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। और गाइस, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले करना क्या होगा, जब भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर गाइस क्या करना होगा, एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब गाइस, यहां पर हम क्या करेंगे, तो पूरी तरह से एप्लीकेशन यहां पर आ चुकी है। तो सबसे ऊपर की साइड में देख, तो यहां पर टर्न ऑन स्कैन सेफली यहां पर लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर अगर इसे आप ऑन करोगे स्विच को, तो यहां पर आपके फोन के अंदर VPN कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके फोन के अंदर VPN कनेक्ट करके इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो ओके पे क्लिक कर लेना है। अगर आप VPN कनेक्ट करना नहीं चाहते, डायरेक्टली यूज करना चाहते हो, तो यहां पर कैंसिल पे क्लिक कर लेना है और इसे ऑन करने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो अब किस तरह से आपको जो यहां पर अपना QR कोड क्रिएट करना है तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो देखते हो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन है, ईमेल का कर सकते हो, टेक्स्ट का कर सकते हो, वाईफाई है, कॉन्टैक्ट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनका आप जो यहाँ पर QR कोड जो है क्रिएट कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए गाइस, किसी भी एक एप्लीकेशन का QR कोड मैं यहाँ पर क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं YouTube का करके बताता हूँ। तो YouTube के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस कुछ एड्स होगी, तो यहाँ पर आपको क्लोज कर लेना है। तो गाइस, जैसे हम यहाँ पर एड को क्लोज करेंगे, उसके बाद ऊपर के साइड में जो एड है इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पर हमारा YouTube का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर चैनल ID मांग रहा है, मतलब गाइस जो भी आपके चैनल का URL लिंक होगा वो यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का URL जो पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस क्या करना होगा कि जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। तो चलिए गाइस, यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद देखते तो हमारा जो QR कोड है वो यहाँ पर बन चुका है। तो इस तरह से गाइज, इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने किसी भी एप्लीकेशन का जो QR कोड है वो यहाँ पर आप बना सकते हो। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा QR स्कैनर एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में कैसे यूज़ कर सकते हो और ये एप्लीकेशन है क्या। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।